अभी हम लोग मॉर्निंग के सेट पे हैं, पवन जी का शूट पे जौनपुर। पवन सिंह इस साल अपना कौन सा और किस एक्ट्रेस संग पहला होली सॉन्ग रिलीज करेंगे, ये बात तो अब सारा पूर्वांचल ही जान चुका है। लेकिन उनका दूसरा होली सॉन्ग किस तरह का होने वाला है, इस बात से अब तक उनके फैंस थोड़े अनजान थे। तो देखिए इसी गाने के सेट से प्रमिला घोष का वीडियो, जिसमें उन्होंने गाने से जुड़ी कई रोचक बातों का खुलासा किया। अभी हम लोग मॉर्निंग के सेट पे हैं, पवन जी का शूट पे जौनपुर, और यहाँ पे बहुत अच्छा गाना हम लोग का शूट हो रहा है, लोकगीत। कल होली है और एल्बम का नहीं, कल होली का शूट है। एल्बम का नाम अभी डीआरएस म्यूजिक से ही हम लोग का आने वाला है। अभी एल्बम का नाम हम नहीं बता सकते, बहुत जल्दी आ जाएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें मेहनत हम लोगों का बहुत हो रहा है। और डीआरएस म्यूजिक को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यार दे दीजिएगा, और हमारे इस गाने को बहुत सारा प्यार शेयर आप लोगों का सब कुछ दीजिएगा, जितना हो सके इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। वर्डिंग कहीं और था बीच में, तुमको टोन कटना जरूरी है, देख नहीं रहे हो, हम बात कर रहे हैं। या ओके मैम, बहुत अच्छा। हाँ ये नहीं, सच में हम किसका बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे हमारे मैं स्टार्टिंग की थी, हम लोगों का पहला एल्बम था इन्हीं से। अभी जाके इन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और कोरियोग्राफी से लेके शुरू करके सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं। इनको भी बहुत सारा प्यार दीजिए, ये गाना हमारे आज यही कोरियोग्राफ कर रहे हैं। और राहुल भाई, और हमारे साथ है राहुल जी, एक एक्टर के साथ दो कोरियोग्राफर हैं। हाँ क्या बात, इतनी मेहनत कराती हैं, इतना मेहनत करवाती हूँ फिर। थैंक यू गाइस, इतने सारे लोग जुड़े हैं, बहुत जल्दी धमाका होने वाला है पवन जी के साथ हम लोगों का, और आप लोग बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, गाना बहुत सुंदर है, आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लग रहा है। एक्चुअली जितना मेहनत है ये आप ही लोगों के लिए है, और ये हम लोगों का, मैं कुछ दिखाना चाह रही हूँ, डेकोरेशन है, बहुत खूबसूरत किए हैं ये लोग। और बहुत ही जल्दी पवन जी भी आने वाले हैं। हम लोग अभी जौनपुर में हैं फिलहाल। अभी पवन जी गए हैं जिम बहुत ही अच्छा नजारा है, मैं दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पे हम लोग का शूट हो रहा था। बहुत ही अच्छा गाना आने वाला है पवन जी का, होली का। एक सेकेंड, होली का जो गाना यहाँ पे शूट हुआ है, लसा लसा लहंगा करता लस लस करता, तो वो गाना का शूट यहीं पे हुआ है, और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और अभी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो कुछ दिन बाद होली का भी बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। पवन जी गए हैं अभी जिम, बहुत मेहनत करते हैं, और आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं हम लोग। और दीपक जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं अगर काम कर पा रही हूँ इसका, तो दीपक जी का और पवन जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा प्यार है, उन लोगों का आशीर्वाद है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और
जितना भी अभी तक मुझे सक्सेस मिला है, आप लोगों का प्यार मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। और आगे जाके मुझे ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए, प्यार करते रहिए। आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत हम लोग करते हैं। अच्छा, ये हमारे DOP है आज के, इनसे भी मिलवाना चाहती हूँ मैं। मिलिए इनसे। जय हो गोरे लागत सबके। ये परमिला जी के ID से हमने के देखा था, कल से हमने के शूटिंग पे बनी जा पवन जी के लोग के अभी लगातार बैठे जे जे देखा था। निखिल मरलन तो से कनी देख ले, निखिल कहाँ बड़ा बाबू। निखिल बहुत ही अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। अभी उनके साथ ही रिलीज हुआ है मेरा। हाँ, मुझे ही जाना था करने, मेरे पास टाइम नहीं था। ओहो, देखिए हमारे DOP साहब कितने व्यस्त। निखिल श्रीवास्तव जय आए हैं। चार दा निखिल, क्या बात है। सब कोई, जितने भी लोग देख रहे हैं, सबको नमस्कार। सबको नमस्कार, मार दीजिए नमस्कार। अच्छा, अभी कुछ देर बाद पवन जी भी आ जाएंगे। मैं आप लोगों को जरूर, हम लोगों का जो वीडियो शूट होगा उसका फोटो जरूर मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी। अभी अभी खींच के रखे हुए उसको अभी भेजना है आप लोगों के पास, बहुत ही अच्छा लगेगा। जरूर बताइएगा कैसे लग रहे हैं, कैसा बन रहा है। और ये DRS म्यूजिक से है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। अभी सॉन्ग का नाम नहीं बता सकते हैं क्योंकि पोस्टर रिलीज होने वाला है आज ही, तो आप लोग को मैं जरूर शेयर कर दूंगी, आप लोगों को जरूर पता चल जाएगा। बहुत अच्छा सॉन्ग है और डायरेक्ट वीडियो निकलेगा इसका। जी सबको नमस्कार, जो जो लोग देख रहे हैं। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।